तो चलिए, सिडनी में पहली पारी ख़त्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बैट करके बनाए हैं 288 और सिडनी में जो अमूमन जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग्स वो है 320। तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम रीजनेबली खुश होगी। खुश आई थिंक नहीं, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर्स में देखा है जो कंसर्न माना भी जा रहा है इंडिया के लिए लुकिंग फॉरवर्ड टू 2019 वर्ल्ड कप, आज भी 10 ओवर्स में 93 रन और उसमें मेजर कंसर्न भुवनेश्वर कुमार। हमने जब शुरू आज प्रीव्यू कर रहे थे उस टाइम भी यही कहा था कि वो किस तरीके से वापसी करते हैं, तो इफेक्टिव नहीं दिखे जो दिखते थे, उतनी धारदार गेंदबाजी टुवर्ड्स द एंड डेथ में उन्होंने नहीं किया। तो जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया था शायद 250 लग रहा था हमें एक टाइम पे जब हम बात कर रहे थे, बट 290 क्लोज टू 290 भाई उतना हो गया इसको, 93 रन लास्ट के 10 ओवर्स में आए हैं। तो कंसर्न तो मेजर कंसर्न है, अब वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं हम हर एक चीज़, तो एक बड़ा कंसर्न। इनफैक्ट आपके जो रिजर्व्स पे पेसर्स में आप जिनको कंसिडर कर रहे हैं खलील अहमद, उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था, जबकि शामी ने अच्छी बॉलिंग करी। तो शामी ऑफ कोर्स आई थिंक इन कंटेंशन रहेंगे, बस इंजरी ना हो उनको, बट अदरवाइज आई थिंक टीम ने बुमराह को आज ऑफ कोर्स मिस किया है काफी। आप इजीली देख सकते थे कि बुमराह वुड हैव कंट्रोल्ड, और ये चीज भी लगती है ना दोनों एंड से, जब बुमराह भूवी साथ बॉलिंग करते हैं तो भूवी भी ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से रहता है। इस केस में हो सकता है कभी कभी भूवी पर ज्यादा प्रेशर रहता होगा कि ज्यादा उनको रोल वो लगता है कि यार मुझे ही अब ज्यादा करना, रोकने हैं रन्स। और अगर आप वैसे देखें यूजुअली ऐसा होता है कि भुवनेश्वर कुमार जब भी कमबैक करते हैं तो उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो, और फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने आज शुरुआत करी थी अच्छे लग रहे थे वो, टुवर्ड्स द एंड थोड़े उनको रन चले गए। पीटर हैंडसकम ने सर्वाधिक स्कोर बनाया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 73 उन्हीं के रन्स के बदौलत था, प्लस मार्कस स्टॉइनिस भी जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उन्होंने भी जो बड़ी हिट्स लगाई। लेकिन आपको नहीं लगता मैक्सवेल को पहले आना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी? तो खैर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉब्लम ज्यादा है एज अपोज टू इंडिया, ना उनका बैटिंग ऑर्डर सेट है ना उनके बॉलर सेट है, लेजेंड्स है ना वो वैसे ही नाराज है, और जो मैनेजमेंट है जो कैप्टन है वो उनको और ज्यादा रीजन देते हैं। मतलब शेन वॉन तो पीछे ही पड़ गए थे, क्यों नहीं है वो, क्या नहीं है, ये बात तो हो गई जो हो चुका है। अब बात करते हैं कि होना क्या है। अब होना यह है कि जो चलता आया है ट्रेंड कि हमारे टॉप थ्री आते हैं। लेकिन मनोज आपने याद दिलाया कि मनीष पांडे ने लास्ट टाइम रन्स बना के 100 मार रहा था, 300 प्लस इंडिया ने चेस किए थे सिडनी में ही, तो चेस तो बिल्कुल कर सकते हैं। बर्थडे बॉय ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बुला लेते हैं, बिल्कुल आइए। बर्थडे बॉय आए हैं, हमने सोचा आपसे आज थोड़ा काम नहीं करवाते ज्यादा, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब किया। सुबह आपने केक साथ मुझे ऑफिस बुला लिया, गला आपका केक वेक से भर रखा है, तो मुझे लगा हम तो सोच रहे थे केक वेक काटेंगे खाएंगे। आप बताइए कब केक काटना है, केक तो लाइए ना, लाना पड़ेगा ना काटने। ये बात भी सही है, नहीं जीत के बाद भी काट लेंगे। बट सर अब जो हम बात कर रहे थे वही कि स्कोर जो है इंडिया खुश होगा, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर्स में हम वही कर रहे थे कंसर्न इंडिया का, वही अब हर चीज हम देखते हैं 2019 वर्ल्ड कप को देखते हुए, तो आज भी 10 ओवर्स में 93 रन आए, प्लस आपके भूवी उतने इफेक्टिव नहीं दिखे, जो ये इंजर्ड है फिट है क्या है पता नहीं, वो थोड़ा लगा, तो वो कंसर्न, या फिर आप कहेंगे कि स्कोर से खुश होगी इंडियन टीम? नहीं, बट उन्होंने ये स्कोर तो बोर्ड पे लगाए हैं ना, यू नेवर नो। बट सिडनी में ये है कि 320 इज योर एवरेज स्कोर, तो उस हिसाब से रीजनेबली भारतीय टीम संतुष्ट होनी चाहिए। हालांकि ये है कि टुवर्ड्स द एंड हाईएस्ट चेज होगा वैसे, क्योंकि लास्ट जो चेजेस मैं देख रहा हूँ 334 फॉर 8 फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, उससे पहले जो हम सिडनी वाले मैच की बात कर रहे थे 331, उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट था 285। लेकिन मेरा ये मानना है कि 288 एक टीम ने बैटिंग करके बोर्ड पे लगा दिए हैं, और अगर अगर मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता कि हम आपको 288 दे रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया ले लेता? नहीं, ऑस्ट्रेलिया शायद ले लेता बट इंडिया शायद ना लेता। मतलब आप बोल रहे ज्यादा है, बट इंडिया ने उनको रोक लिया था अराउंड 250 के आसपास, तो लग रहा था 288 और 250 में फर्क है ना, वो है उन्होंने टुवर्ड्स द एंड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 289 रन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बट फैक्ट इज कि सपोज आपकी टीम की दिक्कत क्या है, आपकी टीम की दिक्कत है कि टॉप हैवी टीम हो आप 325 भी चेस कर देते, बट अगर आपकी दो विकेटें शुरू में गिर जाएंगी तो फिर आप फंस सकते हो। तो अच्छा है ना सर, मैं तो कहता हूँ कि अगर भारत को शुरू में दो विकेट गिर जाते हैं तो आपको जो आपका कंसर्न है कि मिडिल ऑर्डर क्या करेगा वर्ल्ड कप में, वो आपको जाके हो जाएगा। मैं मुझे तो लगता है कि जब भी मौका मिले भारत को चेज ही करना चाहिए, ताकि पता चले कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है अंडर प्रेशर और अलग अलग सिचुएशन में। और 288 रन आज के ओपन और राहुल बाय द वे पिच पाटा है,
गेंद जब हमारे बॉलर से स्विंग नहीं करा पाई तो उनके बॉलर अचानक हवा में स्विंग तो आ नहीं जाएगी, तो उसको देखते हुए 288 रन ज्यादा नहीं। अनिल जी और मैं आपको एक ने कहा है कि पिच स्लो और बैटिंग के बाद कंसीडरिंग उसने बैटिंग करी, एरन फिंच ने भी कहा। और एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ग्राउंड की भी बात होती है, ये भारतीय ग्राउंड्स नहीं है, यहाँ पे आपको टैक्टफुली खेलना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ खेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बॉल खड़ी कर रहे हो और ग्राउंड के बाहर जा रही है, यहाँ पे आपको दौड़ना बहुत पड़ेगा, याद रखिएगा। 288 रन देख के शायद ये लग सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, मगर ये सच नहीं है। सच ये है कि उनके बल्लेबाज स्ट्रगल ही करते रहे, उनमें से फ्लुएंट बैटिंग किसने की। और आज की तारीख में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आने वाले मैचेस में जीत जाए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए, तो फिर और रही गया। लेकिन 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 फिर रही गया। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की टीम में बल्लेबाजी में वो खौफ वाली बात ही नहीं दिख रही है। कौन बल्लेबाज है जिसको लेके आपके मन में पहले से डर हो कि इसके लिए मुझे बहुत प्लान करना है। ले देखे उनके कप्तान है जो कि इतने आउट ऑफ फॉर्म है कि उनको कुछ पता नहीं, जो पैर ही नहीं चल रहा है। आपने बोला कि पैर ही लगा दिया है 288। अच्छा मैं ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि यार आपको आपका स्टेमिना बहुत चीजें आपको इन्वॉल्व। बट अनिल की बात सही है, आप टेस्ट तो होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज सिर्फ एक मैच जीतने के लिहाज से देखो तो आप चाहते हैं कि 250 से अंदर अंदर हो, लेकिन अगर आप यहाँ से अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, भाई एक एथलीट मैराथन के लिए आपके अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, वो अपना बढ़ाता रहता है और वो देखता है कि यार मैं थक तो नहीं रहा हूँ, यार मेरी सांस तो नहीं फूल रही है, मेरी टांगों में खिंचाव तो नहीं हो रहा है। तो उसी लिहाज से आपको एक एक मैच इस लिहाज से भी देखना होगा। देखिए वनडे सीरीज जीतना ना जीतना मीनिंगलेस है, हर मैच जीतना होता है आपको, वर्ल्ड कप भी जीतना है। नहीं वर्ल्ड कप के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अनिल की बात ये ठीक है कि आप अपने आप को टेस्ट तो करेंगे, एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छा मैच होगा, होना चाहिए अच्छा क्रिकेट के लिहाज से। मैं तो शुरुआत से बोल रहा हूँ यार इंडिया बैट कर लेता पहले, मैंने सोचा कि मेरे को लगा 300 के आसपास मारते तो अच्छा होता। मैं बता रहा हूँ अच्छा मैच जिसको कह रहा हूँ, 5 ओवर पहले खत्म होगा, सिर्फ 288 रन है ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक। आपके गेंदबाजों में से खराब गेंदबाजी किसने की? आज इतने दिनों के बाद जब खलील अहमद गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको लाइन और लेंथ पाने में मुश्किल हुई। अदरवाइज आप देखिए मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और स्लॉग ओवर में आके भुवनेश्वर को एक दो छक्के लगे जरूर, वो कैच भी हो सकता था जो एक छक्का भी गया। तो कुल मिला के बॉलिंग आपने अच्छी की, 288 रन आज की डेट में, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में इज नथिंग आपको। हाँ हालांकि लग रहा है कि सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा है, आउटफील्ड भी उतनी क्रैकर जैसी नहीं है कि वो फटाक से गेंद जा रही है, लेकिन नियम कायदे कानून तो वही हैं, सर्किल के अंदर ही फील्डर होंगे 15 ओवर में, एक और पावर प्ले आएगा, सो आपको इनफ मौके मिलेंगे। ले दे के बात है कि आपको टॉप 3 चल गए तब तो आपको 10 ओवर पहले भी खत्म हो सकता है। चलिए ठीक है, टॉप 3 नहीं चलते हैं तो आपके मध्यक्रम का कम से कम इम्तिहान तो सही बात है। तो दो बड़ी बातें निकल कर आई हैं जो अनिल जी ने बोला है कि एक तो पावर प्ले में जो फील्डर्स हैं वो अंदर रहेंगे नहीं नहीं बता कर अच्छा अच्छा ये बोल रहे हैं कि पांच मान लीजिए बिल्कुल सही बात नहीं नहीं पड़ा है बिल्कुल सही बात कितना भी बाउंड्री पे तो नहीं होंगे फील्डर्स उनके इतना इजी इंडिया को मानना भी नहीं चाहिए। हमारे भी ऋषभ जो धवन आ रहे हैं वो आराम करके ही वापस आ रहे हैं टीम में, क्या रोहित शर्मा आपके राइडूस ने फील्डिंग इतनी चीजें मिस की हैं बिल्कुल, तो ये आपके प्लेयर्स को भी रिदम में आने में जैसे भूवी को वक्त लगा है बैट्समैन को भी लगेगा, और अननोन एंटिटीज के सामने हमेशा इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। ये बहुत एक टेम्पलेटेड चीज है, स्कोर बन गया आप डरा दो, ये बहुत बन गया, हमने ग्राउंड बढ़ाया है पिच स्लो है, लेकिन सच नहीं मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में 288 रन आप पूछ रहे होते ना कि मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देते 288 रन तो क्या वो कबूल कर लेते? अच्छा, नहीं कबूल करते। अच्छा एक सेकंड ऑस्ट्रेलियन टीम ले लेती नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम एक सेकंड आपकी बात मैं समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने 288 बोर्ड पे लगा दिए, अब प्लेयर्स जो है अब अपने ड्रेसिंग रूम में गए हैं, वहां पे वो ये नहीं बात कर रहे होंगे जी मॉडर्न डे क्रिकेट में 288 हम ले लेते हैं, वो यही बात कर रहे होंगे कि देखो अब ऐसे खेलना है, ग्राउंड बड़ा है, डबल्स लेने हैं यहाँ पे, ट्रिपल मिलेंगे आपको, बाउंड्रीज हमें देखनी है, एरियल शॉट्स कैसे खेलनी है। मूल बात ये है, आपने अगर नई बॉल पे विकेट नहीं गवाई तो आप मैच जीत रहे हो, फर्ज कीजिए आप 50 दो आउट हो गए तो आप मैच फंस रहे हो,
हो सकता है इट्स एन अपॉर्चुनिटी भाटी रायडू दिनेश कार्तिक धोनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अच्छा अब हमें ये अपलोड भी करना है इसलिए आप मुझे ये बताइए कि कितने ओवर में और कितने विकेट से। आज मैं उस मूड में नहीं हूँ कि मैं फोरकास्ट करूँ बट मेरा ये मानना है कि इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। मनोज ये मानना है कि केक तो कटेगा, केक जीत का और सर के बर्थडे का भी। और आप केक बड़ा जबरदस्त कल कटा है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे vikrant.gupta73 एंड राहुल, बड़ी किस्मत थी मेरी, अच्छी विशेस भी थी विद हरभजन सिंह। अच्छा बड़ी किस्मत अच्छी है। आप बताइए मैच का, मैं वही है मेरे तो टॉप थ्री की भी हम बात करें, डिसाइसिव फैक्टर विराट कोहली। चलिए तो मूल अनिल सर से तो पूछो। नहीं उन्होंने, मैं कहता हूँ इवन इंडिया को 200 रन भी बनाने होते हैं आज की तारीख में तो टॉप थ्री की ही बात होती है, चाहे 300 रन बनाने हो चाहे 350 बनाने हो, टॉप थ्री की बात होती है ना। टॉप थ्री चल गए तो बहुत आसान, टॉप थ्री फंसते हो यार अब 288 में फंस सकते हो। अब चलिए नहीं बड़े एक भाई एक बात है, अनिल का कॉन्फिडेंस पूरा है। नहीं नहीं वो यही उनमें एक अच्छी बात है, ये उन्होंने बात नहीं अपनी कॉन्फिडेंस, नहीं नहीं ये मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंट आदमी है अनिल जी, जितना हम भी रहे हैं पर मेरा ये है कि मतलब थोड़ा सा आपको नया बॉल निकालना होगा और थोड़ी भूमिका भी तो बनानी पड़ती है। आप ऐसे कैसे बोल दोगे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हमें भूमिका भी तो बनानी पड़ती है। खैर फिलहाल यही बात जो निकल कर यही हम सोच रहे हैं कि 288 ऑस्ट्रेलिया लगा दिए हैं और टॉप थ्री पे काफी दारोमदार रहेगा, पर ये भी बोला जा रहा है बात जो हम कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है और उनको भी टेस्ट कंसर्न इज कि अंबाथी रायडू धोनी ये क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे ज्यादा, मतलब मैचेस नहीं खेल के आए। सिमिलरली शिखर धवन ने भी मैचेस नहीं खेले, तो ये कार्तिक तो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, तो ये तीन मतलब थोड़ा सा बस ये मैच सिचुएशन की बात है। तो चलिए आप ही कर दीजिए साइन ऑफ, तजुर्बा तजुर्बा बहुत है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। हरभजन सिंह मैच खत्म होने के बाद आपके साथ होंगे, केक तो कटेगा, केक तो कटेगा, भंगड़ा होगा कि नहीं होगा बस सवाल वही है। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, आपको दोबारा मिलते हैं कोई बड़ी खबर के साथ ही मिलेंगे।